हाय, दिस इज केतम फ्रॉम IDC। दोस्तों, एप्पल ने रिलीज कर दिया है वॉच वॉइस 11 और ये मेरी वॉच अल्ट्रा 2 पे 1.98 GB का देखने को मिलता है। नाउ क्विकली अगर हम इसका रिलीज नोट चेक करें तो वॉच वॉइस 11 के साथ आपको बहुत सारे नए फीचर्स अपनी एप्पल वॉच में देखने को मिलेंगे, एज वेल एज यहाँ पे बहुत सारे बग फिक्सेस भी आपको वॉच वॉइस 11 के साथ देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिटेल में आपको बता देता हूँ कि वॉच वॉइस 11 के साथ आपको अपनी एप्पल वॉच में क्या क्या नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, वॉच ओएस 11 के साथ आपको अपने एप्पल वॉच में बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें से जो पहला फीचर है वो है न्यू वॉच फेसेस। वॉच ओएस 11 के साथ आपको 3 न्यू वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से जो पहला वॉच फेस है वो है फ्लक्स। उसके बाद आपको फोटोज का एक नया वॉच फेस देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको रिफ्लेक्शन करके एक नया वॉच फेस देखने को मिल जाता है। नाउ अगर हम क्विकली इन वॉच फेसेस के बारे में ज्यादा जानकारी ले तो रिफ्लेक्शन वॉच फेस आपकी वॉच के मूवमेंट के हिसाब से इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा और इस वॉच फेस के एडिट में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर रिफ्लेक्शन को दे सकते हैं, जैसे कि ये पर्पल कलर, और ये आपकी वॉच के मूवमेंट के हिसाब से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। इसके साथ ये नया रिफ्लेक्शन वॉच फेस विदाउट कॉम्प्लिकेशन एज वेल एज विथ कॉम्प्लिकेशन अवेलेबल है, जिसके लिए आपको एडिट वॉच फेस में जाना है। देन एडिट में जाके अपने हिसाब से स्क्वायर या फिर इस तरह से राउंड डायल सिलेक्ट करना है। अगर आप राउंड डायल सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने वॉच फेस के साथ कॉम्प्लिकेशन ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वॉच फेस हमें वॉच ओएस 11 के साथ देखने को मिलता है वो है ये न्यू फ्लक्स वॉच फेस, जो सेकंड के हिसाब से इस तरह से फील होता है। ये 60 टाइम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फील होगा और एक नया कलर नीचे से ऊपर तक रिवील करेगा, और ये वॉच फेस दिखने में वाकई ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ऐड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा वॉच फेस आपको वॉच ओएस 11 के साथ देखने को मिलता है वो है ये फोटोज वॉच फेस, और इसमें आपको नया बैकग्राउंड ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा फोटोज वॉच फेस में और कुछ भी नया नहीं है। ना वॉच वॉइस 11 एंड एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 के लिए दूसरा नया फीचर आपको देखने को मिलता है वो है एप्पल म्यूजिक एंड पॉडकास्ट एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे नाउ आप अपने पॉडकास्ट एज वेल एज एप्पल म्यूजिक डायरेक्टली अपने एप्पल वॉच में स्पीकर के साथ प्ले करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे पॉडकास्ट अपनी एप्पल वॉच में प्ले कर रहा हूँ एंड एज यू कैन सी अभी ये डायरेक्टली मेरे वॉच अल्ट्रा 2 के स्पीकर से पॉडकास्ट प्ले हो रहा है। जी हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन डेफिनेटली अभी आप अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 के साथ म्यूजिक एज वेल एज पॉडकास्ट वॉच ओएस 11 के साथ प्ले कर पाएंगे। इसके बाद वॉच ओएस 11 में आपको अपनी एप्पल वॉच में एक नया टाइड एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि वीकली बेस पे आपको ये दिखाएगा कि कब आपका टाइड आने वाला है और वो कब खत्म हो रहा है। और ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो जनरली बीच वाले एरिया में रहते हैं। इसके साथ वॉच वॉइस 11 में आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 एंड लेटेस्ट सीरीज 10 में स्लीप एपनिया एप्लीकेशन देखने को मिलने वाला है, जो एप्पल के हिसाब से आपको नेक्स्ट मंथ या फिर FDA अप्रूवल के बाद देखने को मिलेगा। इसके अलावा वॉच वॉइस 11 के अपडेट के बाद अगर मेरे एप्पल वॉच के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एज यू कैन सी मेरा एप्पल वॉच काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है, सब कुछ सही से काम कर रहा है और सारे एप्लीकेशन इक्वली काफी अच्छे से ओपन हो रहे हैं। एज यू कैन सी ये वॉलेट एप्लीकेशन हो गया या फिर ये कैलकुलेटर ऐप हो गया, सारे एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथली ओपन हो रहे हैं और मुझे अपनी एप्पल वॉच को वॉच ओएस 11 पे अपडेट करने के बाद चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर अपडेट के बाद अगर मेरे वॉच अल्ट्रा 2 के बैटरी बैकअप की बात करूँ तो अभी रिसेंटली मैंने वॉच ओएस 11 अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा में इंस्टॉल किया है, तो जितना मैंने इसको यूज कर रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली इसका वॉच ओएस 10 के कंपेयर में बैटरी बैकअप थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अभी वॉच ओएस 11 अर्ली स्टेज में है एंड ओवर द टाइम अपडेट के साथ इसका बैटरी बैकअप डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। तो आपको डेफिनेटली वॉच ओएस 11 पे अपने एप्पल वॉच को अपडेट कर लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, ये जो स्ट्रैप मैं अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 के साथ यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप फ्रॉम मोरोफी ब्रांड, और ये मेरी एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है और पिछले एक साल से कंटिन्यूसली मैं अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा के साथ इस स्ट्रैप को यूज़ कर रहा हूँ एंड एज यू कैन सी इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होल्ड किया है। दैट मीन्स ये स्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है एंड ड्यूरेबल भी है, और अगर आप भी इस प्रीमियम स्ट्रैप को बाय करना चाहते हैं देन लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो का आपको हेल्पफुल लगा देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वॉच ओएस 11 के रेगुलर अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल IDVS को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।